हेलो गाइस, व्हाट्स अप। इस वीडियो में हम लोग सीएफ और पीआई के पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ये पांचों प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ वेरियस वेरियस वीडियोस में, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम श्योर कि ये पांच क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो उसके बाद आप सीएफ और पीआई किसी भी क्वेश्चन का आप आराम से निकाल सकते हो। ये इस वीडियो में मैं पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। बाकी प्रॉब्लम्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ पर आपको इस कंप्लीट चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप बाकी वीडियोस को आप प्रेफर कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम, दैट इज सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स इंटू ई टू पावर 3x प्लस साइन 2x। सबसे पहले हम देखेंगे इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में। ओके, सॉल्यूशन। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन इज। ओके, क्या होगा बताओ। हमें पता है डी अपॉन डी एक्स हम क्या लिखते हैं, कैपिटल डी लिखते हैं। उसी हिसाब से डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर लिखते हैं। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, डी स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो वाई को अपन बाहर कॉमन निकालेंगे। दिस इज -3d प्लस 2, यहाँ पे वाई आ जाएगा। एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, यहाँ पे एक्स इंटू ई टू पावर 3x प्लस साइन 2x। ओके फाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, सम फंक्शन ऑफ एक्स है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन में, दैट विल बी इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ प्लस पी आई क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक एक करके अपन निकालेंगे, पहले सी एफ निकालेंगे फिर अपन पी आई निकालना देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिख चुके हैं, तो अपना जो अगला स्टेप होगा क्या होगा, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम शॉर्ट में ए ई लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो उसको। ओके, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करेंगे जो वाई का जो कोफिशियंट होगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी को अपन एम से रिप्लेस कर लेंगे। तो दिस विल बिकम एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस एम प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर क्या होगा, एम यहाँ से कॉमन निकाल लो, एम माइनस 2 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, 1 कॉमन निकलेगा। दिस इज एम माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होगा ये आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो दिस कैन बी रिटन एज़, क्या बताओ ये अपने क्या हो जाएगा, एम माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या होगा, एम माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सब क्या मिला बताओ, एम इक्वल्स टू 1, 2। इट मीन्स द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स। ओके, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, वी गेट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। फाइन, तो सी एफ क्या बन जाएगा, देखो यहां पे सी एफ इक्वल्स टू सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स। एम वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, दैट इज एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स, है ना। एम टू की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या है, 2 है, तो दिस विल बिकम 2x। ये सब जो भी है सी एफ निकालने वेरियस वेरियस टेक्निक्स, सबको मैंने डिटेल में एक एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लस उसके एग्जाम्पल्स के साथ में वहाँ बनाया है। तो आप उस वीडियोज को देखो, वीडियो देखने के लिए आप उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। ओके, मतलब आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आपको इस कंप्लीट चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पीआई निकालेंगे। पीआई क्यों निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या आपका जीरो नहीं है। अगर ये जीरो होता तो हमारा सोल्यूशन क्या होता, सी एफ के इक्वल होता। अब चूंकि यहाँ पे एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, देखो तो एक्स अपना क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, तो ये क्या है, एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पीआई भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, पीआई निकालेंगे। नाउ पी आई इक्वल्स टू, ओके, तो हम एक एक स्टेप को लिखेंगे और कोशिश करेंगे एक भी स्टेप को स्किप ना करें। जितना सिली सा सिली स्टेप क्यों ना हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर एक स्टेप को दिखाने के लिए, क्योंकि अगर स्टेप स्किप नहीं करोगे तो देर इज अ चांस कि आप मिस्टेक्स वहां पे नहीं करोगे।
स्टेप को स्किप करने पे मिस्टेक्स वहाँ पे हो सकती है। ओके लेट अस प्रोसीड। वन अपॉन में क्या होता है, इसको लिखते हैं अपन जो वाई का कोफिशियंट होता है, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 3 डी प्लस 2। ओके अब यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा पूरा, ओके ये पूरा पूरा यहाँ पे आएगा। ओके देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इंटू ई टू पावर 3x प्लस साइन 2x। ओके अब सिंस यहाँ पे आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ प्लस है कि नहीं, तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे, पी आई को अपन दो डिफरेंट डिफरेंट भाग में निकालेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन जो लिखा है उसको एज इट इज लिख लेंगे, डी स्क्वायर माइनस 3 डी प्लस 2। इसको पहले यहाँ लिखेंगे, लेकिन लिखते वक्त मैं क्या करूँगा, एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को पहले लिखूंगा, बिकॉज ये क्या है, कॉम्बिनेशन वाला है, एक्सपोनेंशियल विद एल्जेब्रिक फॉर्म। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले अपन सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को। तो यहाँ इसीलिए मैं एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को पहले लिख लिया, फिर एल्जेब्रिक वाले पार्ट को लिख लूंगा। ओके तो यहाँ पे डिफरेंट सेकेंड टर्म क्या दिया हुआ है, साइन 2x लिखा हुआ है, तो इसके लिए अपन अलग से लिखेंगे, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 3 डी प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2x। फाइन ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब एक एक पार्ट को अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट दिया हुआ है विथ एल्जेब्रिक, तो हम क्या करेंगे, पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब मैंने बताया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट में पूरा सब कुछ मिल जाएगा सेपरेटली। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सिंस यहाँ पे एक्सपोनेंशियल विथ एल्जेब्रिक दिया हुआ है, तो पहले अपन इसके लिए सॉल्व करेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर एक्सपोनेंशियल की सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो क्या करते हैं, डी की जगह पे क्या करेंगे, एक्स कोएफिशिएंट को पुट करेंगे, बट इन दैट केस यहाँ पे कोई भी टर्म को डी का नहीं बचेगा, तो अपन एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, आए बात समझ में। अगर मैं यहाँ पे मान लो ये अगर नहीं दिया रहता, तो हम क्या करते, डी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट है दैट इज 3। ओके बट सिंस यहाँ पे आपको इसके साथ ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को अपन डी की जगह पुट नहीं करेंगे, रादर हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डी के साथ ऐड करेंगे। ओके ये भी मैंने बताया हुआ है ना, केस नंबर 4 में जो पी आई के देखोगे, तो उसमें आपको बताया हुआ ये चीज़ अच्छे से, कि जब भी कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सपोनेंशियल की सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे हम क्या करेंगे, डी प्लस ए, ए क्या होगा, इस एक्स का कोफिशियंट। ओके जो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट में जो एक्स रहेगा, उसके कोफिशियंट क्या करेंगे, अपन डी से ऐड करेंगे। ओके तो वही अपन यहाँ पे करने वाले हैं, दैट इज डी प्लस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी प्लस, ओके 3 प्लस 2। ओके यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा, तो यहाँ पे ये कहाँ गया, यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके क्योंकि मैंने इसके लिए इसको सॉल्व कर चुका है। ओके ठीक है अब यहाँ पे आते हैं, हमको पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया मुझे, साइन फॉर्म दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म दिया है, तो इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं, जहाँ जहाँ डी स्क्वायर दिया हुआ है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ये देखो ये अपना क्या, साइन ए एक्स है, तो ए केवल यहाँ पे क्या 2 है कि नहीं। ओके तो जहां जहां डी स्क्वायर आएगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर। ओके तो अगर ए अपना 2 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, -4 -3 डी प्लस 2 इंटू sin 2x। ओके मैंने क्या किया बताओ, यहाँ पे जहां जहां डी स्क्वायर होता है हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। ओके तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए स्क्वायर, मतलब उस ए स्क्वायर का नेगेटिव फॉर्म, ए इसको क्या होगा, 4 हो जाएगा, और 4 का नेगेटिव फॉर्म क्या होगा, -4, तो यहाँ पे मैंने -4 इसको पुट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ये अपना क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ई के पावर 3x ओके अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, देखो डी स्क्वायर प्लस 6 डी प्लस यहाँ बताओ क्या आएगा, 9 माइनस यहाँ बताओ क्या होगा, 3 डी -9 यहाँ पे क्या है, +2। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, x आएगा। फाइन वैसे ही यहाँ बताओ क्या बनेगा, 1 अपॉन में -4 प्लस 2 दैट इज -2 -3 डी, यहाँ पे क्या बनेगा फिर, sin 2x। ओके ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया अपना। ओके फिर क्या बचेगा यहाँ पे, e की पावर 3x 1 अपॉन में यहाँ पे क्या बनेगा, डी स्क्वायर यहाँ बताओ क्या है, -3 डी प्लस 2 यहाँ पे क्या है, एक्स है,
यहाँ पे नेगेटिव बाहर निकाल लो। ओके, नेगेटिव बाहर निकालने पे देखो यहाँ पे डी नेगेटिव कॉमन निकल रहा है कि नहीं, तो पहले इस फॉर्म को लिखूंगा दैट इज 3D, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका प्लस 2 आएगा। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा आपका sin 2x। ओके, यहाँ पे देखो 6D लिखा है, यहाँ पे -3D लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, ये अपना क्या एल्जेब्रिक वाला फॉर्म है। ओके, तो एल्जेब्रिक फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, e की पावर 3x। ओके, इसको रिवर्स में लिखेंगे तो ये अपना क्या बने देखो, तो 2 + 3D + D² × x। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। ओके, दैट इज 1/3D + 2 × 3D - 2/3D - 2, ये हो गया अपना sin 2x। ओके, ठीक है, अगला स्टेप क्या रहेगा देखो, यहां से हम क्या करेंगे 2 कॉमन निकाल लेंगे। ओके, मुझे करना क्या है, एलजेब्रिक वाले फॉर्म में हम क्या करते हैं 1 + D 1 - D वाले फॉर्मेट में रखते हैं, तो दिस दिस हैज टू बी 1। ओके, तो यहाँ पे e की पावर 3x। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 में, जब 2 कॉमन निकाल लूंगा तो दिस विल बिकम 1 + ये क्या बन जाएगा 3D / 2, दिस विल बिकम D² / 2, ये अपना हो गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा (x) आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 3D - 2/1 में क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है a + b a - b। ओके, a + b * a - b क्या होता है a² - b² होता है, दिस विल बिकम 9D² - 4, और हियर इट विल बी sin 2x। ओके, ठीक है, अगले स्टेप हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ओके, तो ये अपना क्या होगा, इस पूरे को अगर मैं डी मानता हूँ, इस पूरे को अगर मैं डी मानता हूँ तो क्या होगा 1 + D वाला फॉर्मेट हो जाएगा, ऊपर जा क्या होगा 1 + D / -1 हो जाएगा। तो इसको मैं वही लिख रहा हूँ e की पावर 3x / 2, ये अपना क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 + ऐसा ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ताकि मालूम पड़े कि ये अपना क्या है, पूरा पूरा डी है, दैट इज 3D / 2 + D² / 2। ओके, इसको फिर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिया, चूंकि इसको मैं ऊपर ले जा चुका हूँ तो यहाँ पे क्या होगा पावर -1 हो जाएगा (x) आएगा। ओके, ये वाला पार्ट एक्स, यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या दिया है D² दिया हुआ है, तो साइन वाले फॉर्म में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, sin f a cos वाले में D² जगह पे हम क्या पुट करेंगे -a² तो एक वाले यहाँ पे क्या 2 है, तो अगर एक वाले 2 है तो -a² कितना होगा -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे वही रखूंगा मैं D - 2/1, हियर इट विल बी 9 × -4 - 4। ओके, यहाँ पे क्या होगा sin 2x। ओके, पिछले वाले भाग में हम लोगों ने इस वाले पार्ट को निकाला था, तो अब जो है हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे क्या है 1 + D / -1 का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो फॉर्मूला क्या है देखो, तो यहाँ पे 1 + D / -1। ओके, क्या होगा फॉर्मूला एक बार याद करो, इसको जब मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपना क्या बने देखो, तो 1 - D बना कि नहीं, मतलब एक ही पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पे D की पावर 0 है, यहाँ पे D का पावर 1, तो यहाँ पे क्या है D की पावर 2 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव फिर यहाँ पे क्या D³ एंड सो ऑन। ओके, इस टाइप से जो आगे आपका ये वाला सीरीज जो है बढ़ेगा। ओके, ठीक, इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे यूज करना होगा। ओके, तो देखो क्या बन जाएगा e की पावर 3x / 2, यहाँ पे क्या होगा 1, ये क्या आएगा -3D / 2 + D² / 2, ये ऐसा फिर पॉजिटिव। अच्छा, आगे के चीज़ों का हम आगे का जो एक्सपेंशन है इस वाले पार्ट का, इसको अपन नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ एक्स है, मतलब एक्स का पावर क्या है पे 1 है, मतलब ये है कि यहाँ तक इसको सॉल्व करना है, इनफैक्ट ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। ओके, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख ली एक्स, अब यहाँ पे क्या हो देगा, तो दिस इज -36 - 4, दैट इज -40, -40 क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3D - 2 / में क्या आएगा यहाँ पे 40 आएगा (sin 2x)। ओके, ठीक है, अब अगले स्टेप हम क्या करेंगे देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, e की पावर 3x / 2, एक्स को जब अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा, फिर माइनस
3 अपॉन 2 को एज इट इज रखें, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विल बिकम 1, तो यहाँ पे क्या 1 आएगा। ओके तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो ब्रैकेट ओपन करने पे यहाँ क्या नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विल बिकम 0, तो मतलब क्या है ये यहीं तक सॉल्व होगा। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे डॉट 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 लगाते हैं, तो ये मिस्टेक है भाई, है ना, क्योंकि इसके बाद जितने भी टर्म्स बनने वाले सब क्या 0 है आपका, इसलिए आपको यहाँ पे डॉट 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 नहीं लगाना है। ओके ठीक, ये आपका सॉल्व हो चुका है ना, कम टू दिस पार्ट, 1/40। ओके डी का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन। ओके तो क्या देखो आप, 3 × डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x विल बिकम cos 2x इंटू 2। फाइन अब यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 sin 2x हो गया। फाइन आगे बढ़ते हैं, इसी को बस सॉल्व करना है, दैट विल बी माई पी आई। ओके ए की पावर 3x/2, दिस इज x-3/2, ये अपना हो गया। आगे बढ़ते हैं +40, सॉरी ये अपना क्या है 1/40 है, 1/40 दिस इज, देखो यहाँ पे अपन 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालने तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, 3 cos 2x-sin 2x। ओके यहाँ से 2 और ये 40 में आपस कुछ कैंसिल होगा, क्या बचेगा e की पावर 3x/2, यहाँ पे क्या आएगा x-3/2 +1/20, दिस विल बिकम क्या बताओ, 3 cos 2x-sin 2x। फाइन तो ये अपना क्या हो गया, पी आई की वैल्यू हो गई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, दिस इज नथिंग बट पी आई, पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ हमें क्या चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, किसका, इस इक्वेशन का। ये जो अपने को इक्वेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें क्या चाहिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इक्वल्स टू CF+PI। ओके CF की वैल्यू को ऑलरेडी अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं, देखो तो क्या था, C1 × e की पावर x + C2 × e की पावर 2x, उसको यहाँ लिख लेंगे। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, C1 × e की पावर x + C2 × e की पावर 2x + PI। PI की वैल्यू को अपन अभी जस्ट यहाँ निकाले थे, उसको भी यहाँ लिख लेंगे, e की पावर 3x/2 x-3/2 + 1/20 टाइम्स क्या होगा यहाँ पे, 3 × cos 2x-sin 2x, और ये अपने क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके थैंक यू।